एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपना भेष बदलकर किसी नगर में भ्रमण कर रहे थे। उस भ्रमण के दौरान वे वहां कई प्रकार से लोगों की गतिविधियों और कार्यकलापों को देख रहे थे। तभी श्री कृष्ण और अर्जुन की नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। हलवाई ने दुकान का कुछ बासी खाना दुकान के पास में इकट्ठा कर रखा था। उस खाने के ढेर को देखकर एक कुत्ता बार बार उसके पास आता और उसे खाने के लिए उसमें मुंह मारने का प्रयास करता, लेकिन वो हलवाई उसे डंडे से मारकर भगा देता। कुत्ता जोर जोर से रोता हुआ भाग जाता और दूर से देखता रहता। अवसर मिलते ही वह फिर से उसे खाने आता, लेकिन हलवाई उसे फिर से भगा देता। यह दृश्य देखकर अर्जुन को दुख हो रहा था, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। श्री कृष्ण को मुस्कुराते देख अर्जुन ने आश्चर्य से उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम जो यह दृश्य देख रहे हो यह कर्मों का फल है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, कृपया मुझे यह बताएं कि यहां जो दृश्य दिख रहा है उसमें कर्मों का फल क्या और कैसे है। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि तुम जिस हलवाई की दुकान को देख रहे हो, यह दुकान एक बहुत ही प्रसिद्ध हलवाई की हुआ करती थी। उस हलवाई ने अपने इस काम से बहुत सारा धन कमाया था, किंतु उसका बर्ताव अपने कर्मचारियों और नाते रिश्तेदारों से बहुत बुरा था और उन्हें हर समय अपशब्द कहता रहता था। अपने कर्मचारियों को वो ठीक से भोजन भी खाने को नहीं देता था, साथ ही सभी की बहुत बेइज्जती भी करता रहता था। उसके उन्हीं पिछले जन्म के कर्मों का फल है कि आज वह अपनी ही दुकान के आगे कुत्ता बनकर भोजन के लिए तरस रहा है। यह कुत्ता वही नामी हलवाई है और इस दुकान में जो वर्तमान मालिक दिख रहा है वो उसी का बेटा है। तुम जो उस कुत्ते को अभी मार खाते देख रहे हो, ये उसके पिछले जन्म के कर्मों की सजा है जिसे वह आज भुगत रहा है। और क्योंकि किसी भी मनुष्य और पशु या पक्षी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने पिछले जन्म और कर्मों के विषय में कुछ भी याद रख सके, इसलिए न तो उस कुत्ते को इस बात की जानकारी है कि उसने अपने पिछले जन्म में क्या किया था, और न ही इस हलवाई को इस बात का आभास हो रहा है कि वह जो आज कर रहा है उसे भी अगले जन्म में इस फल भोगना ही पड़ेगा। इस कहानी से हमें यहां यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्मों के साथ साथ अपनी वाणी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सिर्फ अपने शरीर से ही कर्म नहीं करता बल्कि अपनी वाणी के दम पर भी कर्म करता है, अर्थात अपशब्द कहकर भी दूसरों को दुखी कर सकता है, और हर प्रकार के पापों का फल उसे अगले जन्म में भोगना ही होता है। तभी तो एक कहावत भी है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। सब लोग यही कहते आ रहे हैं कि कर्मों का फल देना भगवान के हाथों में होता है, क्योंकि कर्मों का फल देना यदि भगवान के हाथों में होता तो फिर तो भगवान भी आज के मनुष्य और की भांति निरंकुश होते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भी मिलेगा, तो फिर कर्मों का फल देना भगवान के हाथों में कैसे हो गया। इसका मतलब तो एकदम साफ है कि आज जो बीज आप बो रहे हो उसी का तो पौधा उगेगा, वही एक दिन वृक्ष बनेगा और उसी के फल आपको खाने को मिलेंगे। यानी आज जो कर्म आप कर रहे हो उसी का ही फल तो तुम्हें मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना भी पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा स्वयं ही रखें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमारे पिछले जन्मों में किए हुए अच्छे बुरे हर प्रकार के कर्म फल हमारे भीतर ही संग्रहित रहते हैं। साधारण भाषा में उन्हें संचित कर्म कहा जाता है, यानी आपका मूलधन। अगले जन्म में उस मूलधन का ब्याज यानी आपके उन्हीं कर्मों का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। यानी आप अपने कर्मों के फल को भोगने से बच नहीं सकते, चाहे आप कितने ही जन्म क्यों ना ले लें। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह प्रकृति का सम्मान करता है। जो व्यक्ति परमात्मा का सम्मान करता है वह दूसरों की पीड़ा को समझता है, और वही व्यक्ति परमात्मा के करीब भी रहता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि परमात्मा भी जब धरती पर मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह स्वयं भी उन्हीं सारे नियमों का पालन करता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए उसी परमात्मा ने बनाए हैं। वह स्वयं भी अपनी ही पूजा करता है ताकि मनुष्य ये जान सके
कि उसे क्या और कैसे उन सारे नियमों का पालन करना है जो प्रकृति चाहती है, अर्थात चाहे मनुष्य हो या देवता, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए। अच्छे कर्म यदि व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, तो वहीं उसके बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म के पुराणों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए हुए उसके स्वयं के शुभ या अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। लोग कहते हैं कि कर्म हमारे अधीन है, किंतु उसका फल देना तो भगवान के हाथों में है। लेकिन यहां भगवान ये भी तो कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यानी मतलब साफ है कि आप आज जो बीज बो रहे हो उसी का तो पौधा उगेगा, वही एक दिन वृक्ष बनेगा। यानी आज आप जो कर्म कर रहे हो उसकी का फल तो तुम्हें मिलेगा, तो फिर भगवान तो तुम्हें वही देगा जो तुमने कर्म किया है। अर्थात कर्म हमारे अधीन है तो उसका फल भी हमारे ही अधीन है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि आपके जीवन में इतनी प्रसन्नता, शांति और उल्लास और प्रभु के प्रति इतनी शुद्ध भक्ति कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ये सब तो आप भी पा सकते हो, आप भी कर सकते हो। इसके लिए बस आप अपने कर्मों के प्रति यदि थोड़ा सा भी सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आपके जीवन में भी आ सकता है। हां, किसी जीवन के में कम तो किसी के जीवन में अधिक। ये सारा खेल तो कर्मों का है, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। यानी मनुष्य कर्म तो अच्छा करता नहीं है, लेकिन फल बहुत अच्छा चाहता है, यही उसकी समस्या है। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। सभी को अपने कर्मों का हिसाब यही देना पड़ता है। घड़ा जो मिट्टी का होता है उसका कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कब फूटेगा, और पाप का बोझ हमेशा भारी होता है। अब मिट्टी का घड़ा पाप का बोझ अधिक हो जाने पर जल्दी भी तो फूट सकता है ना, इसलिए पाप को किसी तिजोरी या बक्से में रखने के बजाय घड़ा ही भरा जाता है। फिर पहले के जमाने में घड़ा हर किसी के पास आसानी से मिल जाता था, लेकिन जब यह कहावत बनी थी उस समय लोग थोड़े से ईमानदार भी होते थे, या यूं कहें कि उस समय उनके मन में कहीं ना कहीं ईश्वर का वास भी होता था। तो पाप करने के बाद भी प्रायश्चित के लिए वो अपने पापों को घड़े में ही भरते थे, और जब घड़ा फूट जाता था तो भी अपने पापों को शिरोधार्य कर लेते थे। अब समय बदल चुका है, इसलिए आजकल तो लोग पाप को तिजोरी या सूटकेस, फ्रीज, आलमारी किसी भी चीज में रखने लगे हैं। यहां तक कि लोग अपने पाप को बैग में भरकर बस या ट्रेन में रख देते हैं और तब तक के लिए निश्चिंत हो जाते हैं जब तक तिजोरी, बैग, सूटकेस, फ्रीज खुलने पर उनका पाप सामने नहीं आ जाता। और तो और अपने पापों को अग्निदेव को भी समर्पित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन घड़े का इस्तेमाल नहीं करने के बावजूद भी पाप खुद के वजूद को होने का जोर शोर से ऐलान कर ही देता है। इस प्रकार चाहे घड़े में अपने पाप को ठंडा करने के लिए कोई रखे भी, तो भी पाप कभी ठंडा नहीं होता। पाप की गर्मी हर जगह बरकरार रहती है और कभी ना कभी उबल कर बाहर आ ही जाता है। भाई, एक बात तो पक्की है, पाप का घड़ा फूटता जरूर है, क्योंकि हर गड्ढे या पृथ्वी में मौजूद हर एक वस्तु की एक निश्चित सीमा होती है। इसलिए सीमा पार होने से पहले पाप करना छोड़ दो तथा सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना लो, पुण्य कमाना शुरू कर दो। श्रीमान हमेशा घड़ा ठंडा करने के काम नहीं आता है। व्यक्ति के मरने के बाद उसकी राख या यूं कहें अस्थियां भी गड्ढे में ही आती है। तो यही है जनाब, जब आपका घड़ा भर जाएगा तो आपका हाल भी यही होगा। इस ओर संकेत करते हुए यह बात कही है, अब आप उस पाप गड्ढे को ठंडा करें या गर्म, वो आप पर है, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। अगर सत्य की पहचान करनी हो तो स्वयं को जान लेना, समझ जाओगे घड़ा कहां है और कितना भरा है, कितना खाली। मनुष्य योनि में आप पाप कर सकने में स्वतंत्र हैं, बाकी सब भोग योनियां हैं जिसमें आपको अपने बुरे कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ेगी। यहां तक कि परेशान होकर आपको भोग योनि में आत्महत्या तक का अधिकार नहीं है, जो किया है भोगना ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें घटा और गुणा का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। जो भी कर्म करते हैं उनका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। अगर हम पछतावा करें तो भी वह कर्म बना ही रहता है, ना कि घटता है, क्योंकि कर्म एक बार हुआ तो वह भुगतना ही पड़ता है। यह नहीं कि हम एक पाप कर्म कर दें और फिर एक पुण्य कर्म कर दें। हम समझते हैं कि हिसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने किसी का गला काट दिया
और दूसरी तरफ हमने किसी का जीवन बचा दिया तो क्या यह हिसाब किताब बराबर हो गया? बिल्कुल नहीं। जिसका हमने गला काटा है उसका फल हमें मिलेगा, हमारा भी गला कटेगा, और जिसको हमने जीवन दान दिया है उसके बदले हमें जीवन दान मिलेगा, लेकिन फल हमेशा ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें अच्छे और शुभ कर्म करने चाहिए। पापी जब पाप कर्म करके बचता है तो उसे लगता है कि उसे दंड देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऊपर बैठा परमात्मा प्रत्येक पाप का हिसाब रखता है। जब घड़ा भर जाता है तो किसी न किसी माध्यम और अवतार से उन पाप कर्मों का हिसाब परमात्मा करता है। मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार सुख दुख भाग्य दुर्भाग्य प्राप्त होता है। कुछ लोग अहंकार वश पाप कर्म करते रहते हैं और खुश भी रहते हैं, अभिमान में रहते हैं। ये देखकर लोग कहते हैं कलयुग है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपके पूर्व जन्मों के पुण्य फल आपके साथ हैं तभी तक समय काल और भाग्य आपके साथ हैं। जैसे ही बुरा शुरू हो जाएगा, ईश्वर परम दयालु है, लेकिन उसके लिए न्याय से कोई समझौता नहीं है। उन्होंने खुद को भी दंड देने में कदम पीछे नहीं रखा। संसार का नियम है जो जैसा कर्म करेगा एक दिन जरूर भरेगा। बुरे कर्म का अंत निश्चित है। एक दिन और वही दिन पाप के घड़े के भरने की कहावत वाला दिन है। रावण, दुर्योधन, होलिका, हिरण्यकश्यप, कंस आदि इसके उदाहरण हैं। कूटनीति और अर्थशास्त्र के महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य सिर्फ अपने ही पापों का फल भोगता है, कई बार वह दूसरे के द्वारा किए गए पापों की सजा को भी भोगता है। मसलन, अगर आपकी पत्नी कोई गलत काम करती है तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ता है, और अगर आप बुरा होते हुए देख रहे हो तो भी पाप है, क्योंकि आपके बुरे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब आप महाभारत के युद्ध को ही देख लीजिए। जब कौरव और पांडवों का युद्ध अंतिम चरण में था, कौरव सेना के लगभग सभी महारथी पांडवों के हाथों पराजित हो चुके थे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। उस समय एक दिन युद्ध विराम के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। पांचों पांडवों का नियम था कि वह रोज रात्रि में भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाते थे। भीष्म पांडवों को धर्म अधर्म की, नीतियों की और ज्ञान की बातें बता रहे थे। तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था आप भी वहां थे, तब आपका यह ज्ञान कहां गया था? आप उस समय चुप क्यों रहे? मेरी मदद क्यों नहीं की? आपके सामने अधर्म हो रहा था, लेकिन आप कुछ भी क्यों नहीं कर सके? भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, मैं जानता था एक दिन मुझे इन सवालों के जवाब जरूर देना पड़ेगा। जिस दिन ये अधर्म हो रहा था उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहे थे। उस समय मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, वह अन्न जो पाप कर्मों के कमाया हुआ था। ऐसा अन्न खाने की वजह से मेरा मन मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। मैं ये सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे रोक दिया और ये अनर्थ हो गया। द्रौपदी ने कहा कि आज आप ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं? भीष्म ने जवाब दिया कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया। यह रक्त भी दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है, मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूं, इसीलिए आज ज्ञान की ये बातें कर पा रहा हूं। भीष्म की ये बातें सुनकर द्रौपदी संतुष्ट हो गई और उसने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। तभी मित्रों, कहा जाता है कि अन्याय होते हुए देखना भी सबसे बड़ा पाप है। धर्म के खिलाफ किया गया काम भी पाप की श्रेणी में आता है। जो चीजें आपके धर्म में वर्जित बताई गई हैं, यदि आप उसे जानबूझकर करते हैं तो आप निश्चित रूप से पाप के भागीदार बनते हैं। जिस प्रकार एक पेटी में रखा एक सड़ा आम बाकी सभी आमों को खराब कर देता है, उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति के साथ रहने वाला मनुष्य भी पाप का भागीदार हो जाता है। उसे भी पापियों के समान ही जीवन में दंड भोगना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर अपने बड़े का अपमान करता है या फिर भला बुरा कहता है तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है। जब मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाता है तो वो स्वार्थी इंसान कहलाता है, और स्वार्थ को पाप का सबसे अच्छा साथी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा उग्रसेन द्वापर युग के अंत में मथुरा पर राज किया करते थे। उनकी दो संतान थी, कंस और देवकी। कंस ने अपने पिता से बलपूर्वक उनका सिंहासन उनसे छीनकर उन्हें जेल में कैद कर दिया था। बहन देवकी का विवाह कंस ने यादव कुल के वासुदेव के साथ करवाया। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
कंस का भी अब अंत समय आने वाला था, उससे पहले वो अपना काल खुद ही बुला बैठा। कहते हैं बहन देवकी की विदाई के समय जब कंस उसे ससुराल छोड़ने साथ जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन की हत्या कर दूं, ना वो होगी और ना ही उसकी संतान पैदा होगी जो मेरा संहार करेगी। कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, देवकी के पति वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से विनती की और कहा कि तुम्हें उसकी 8वीं संतान से भय है, देवकी से तो कोई भय नहीं है। जैसे ही देवकी की 8वीं संतान जन्म लेगी हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की यह प्रार्थना स्वीकार तो की, लेकिन उन्हें जेल में कैद कर लिया। कारागार में बंद देवकी अपने पति के साथ दुखी रहने लगी। तत्काल नारद प्रकट हुए और उन्होंने कंस से कहा कि तुम्हारी बहन देवकी का 8वां गर्भ कौन सा होगा, यह तुम्हें कैसे पता चलेगा? गिनती प्रथम गर्भ से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से? कंस को नारद की बात ने गंभीर सोच में डाल दिया। कंस ने फैसला किया कि उसकी बहन की जो भी संतान होगी वो उसे मार देगा। एक एक करके देवकी के जो भी बच्चे जन्म लेते कंस निर्दयता पूर्वक उन्हें मार देता। ऐसे में देवकी और वासुदेव दुखी रहते। कंस को अपने से ज्यादा और किसी का कोई सुख दुख समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन वो आया जब देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ने जन्म लिया। ये दिन था भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसमें रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ था। कहते हैं रोहिणी नक्षत्र में जन्मे श्री कृष्ण जी को कंस नहीं मार पाया। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने देवकी और वासुदेव की सारी बेड़ियां तोड़ दी और बालक रूप धारण करते हुए कहा कि मुझे तत्काल ही गोकुल में नंद के यहां पहुंचा दो और उनके यहां जिस पुत्री का जन्म हुआ है उसे यहां ले आओ। भारी बारिश उस समय हो रही थी। वासुदेव ने नन्हे से कृष्ण को टोकरी में लिटाया और अपने सिर पर रखकर गोकुल चल दिए। वहां उन्होंने नंद बाबा के घर कृष्ण को रखा और उनकी पुत्री ले आए। ये पुत्री उन्होंने लाकर कंस को सौंप दी। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। कंस को जैसे ही यह झांत हुआ वो व्याकुल हो गया। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई दैत्य भेजे, लेकिन बालक रूप कृष्ण तो मायावी थी। उनकी अलौकिक माया से एक एक कर सभी दैत्यों का संहार हो गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण ने 11 साल की उम्र में ही कंस का संहार कर दिया। कृष्णा ने जेल से अपने माता पिता को छुड़ाया। श्री कृष्ण ने अपने नाना राजा उग्रसेन को भी जेल से आजाद करा के उन्हें वापस राजगद्दी पर बिठाया। तभी मित्रों कहा जाता है कि मानव जीवन में कर्मों को गति प्रदान करते हुए हम जीवन में किए कर्मों को अच्छे और बुरे में विभक्त करते हैं, जो पाप और पुण्य कहलाते हैं। अच्छे कर्मों से पुण्य और बुरे कर्मों से पाप का घड़ा भरता है और ये दोनों मानव मन के भाव से ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार देव कर्म और दानव कर्म होता है, जिस प्रकार सुख दुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार पाप और पुण्य भी मन के भाव हैं। आमतौर पर बात की जाए तो जो काम खुलेआम किया जाए वह पुण्य है और जो काम छिपकर किया जाए वह पाप है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख और दुख, लाभ हानि, यश अपयश आदि पाप और पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। जब तक आपके पुण्य का घड़ा भरा रहेगा सुख आते रहेंगे और इसी तरह पाप भी, जो अच्छे कार्य आरंभ करने से वे भी क्षीण होने लगते हैं, क्योंकि न सुख स्थाई है और न दुख, न लाभ स्थाई है न हानि। जो आपको अच्छा नहीं लगता उसे पाप कहते हो, दानव कहते हो। जो आपको अच्छा लगता है उसे देवता कहते हो। एक व्यक्ति आज आपके लिए प्रिय है तो उसका आपको सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर आपकी बात नहीं मानता है तो आपको बुरा लगता है। आपका बेटा, पत्नी या जो कोई भी आपके अनुकूल चलता है तो कहते हैं कि वह बहुत ही आज्ञाकारी है, लेकिन ज्यों ही वह कभी आपका विरोध करता है तो आप उससे घृणा और नफरत करने लगते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी अगर सुंदर हो, सुशील हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, सेवक आपकी सेवा करता हो, घर में धन वैभव हो तो इसी संसार में सुख मिलता है, इसी संसार में स्वर्ग है। यह शास्त्रों की भाषा है। पता नहीं किस कारण से ऐसा लिखा गया है, किंतु मानना है
कि यदि घर का मालिक दुष्ट और व्यभिचारी हो तो भी पत्नी व पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करते हो तो यहां स्वर्ग कैसे हो सकता है? स्वर्ग में तो नैतिक लोग रहते हैं। जब मनुष्य अनैतिक आचरण करे, फिर माता पिता या जो कोई भी हो उस आचरण में स्वर्ग देखे, तब तो यह अनैतिकता का प्रचार हुआ। आपके जीवन में किए अच्छे कर्म जैसे परोपकार, सत्य बोलना, धर्म और नीति के अनुसार अपने कार्यों में रुचि लेना, ये सब पुण्य है, और गलत कार्य करना जो नीति के विरुद्ध है, जैसे कि झूठ बोलना, अपने कार्य को संपन्न करने के लिए किसी अन्य को परेशान करना या उसके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना, ये सब पुण्य है। आपके जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा अवश्य होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन ही नहीं मनुष्य मात्र को यह उपदेश दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। अतः सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करो, और वह भी निष्काम भाव से। श्री कृष्ण का उपदेश सुन जिस प्रकार अर्जुन का मोहभंग हो गया था और उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान हो गया था, ठीक उसी प्रकार आज भी गीता का पाठ मन लगाकर करने से मनुष्य तर जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद् गीता के पहले अध्याय में महाभारत युद्ध के पहले दिन के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। इस अध्याय में अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण रथ लेकर कौरव और पांडव सेनाओं के बीच में पहुंचे। जब अर्जुन ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य सगे संबंधियों को देखा तो वह निराश हो गए। अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए और युद्ध न करने की बात कह दी। श्री कृष्ण अर्जुन के मन के भाव समझ गए थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और समझाया कि ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग कर्म नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य से भागते हैं, वे कायर होते हैं। कर्म न करना भी एक कर्म ही है, इस कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ता है। अकर्म रहने से हमें घर परिवार में भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। किसी महापुरुष ने कितना सुंदर कहा है, अंधकार की निंदा करने की अपेक्षा एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया जलाना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। महापुरुष समझाते हैं कि व्यक्ति सफलता प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अवश्य करे, लेकिन अति महत्वाकांक्षी न बने। किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाकर, किसी के अधिकारों को छीनकर प्राप्त की गई सफलता न तो स्थायी होती है और न ही सुखद। ऐसी सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को तानाशाह तो बना सकती है, किंतु सुख चैन से जीने नहीं देती। दिन रात भय और चिंता के वातावरण का निर्माण करती है और अंततः सर्वनाश का ही सबब बनती है। हमें भगवान श्री कृष्ण का गीता में कथित यह संदेश कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों को करने पर ध्यान दे, फल पाने की चिंता में उलझा मत रह। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि वांछित सफलता न मिले तो उदास और निराश नहीं होना है। इस जगत में सदैव मनचाही सफलता किसी को भी नहीं मिली है और न ही कभी मिल सकती है, लेकिन यह भी सत्य है कि किसी का पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता के अनुसार
हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर इसे लोग दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। मनुष्य के कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार मिलेगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छानुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है और न ही वह उस कर्म के फल से बच सकता है। इसीलिए मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। कर्मों के फल का विधान करना पूरी तरह विधाता के हाथ में है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। गीता के कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बीमा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संघोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। मनुष्य के कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार मिलेगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छानुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है और न ही वह उस कर्म के फल से बच सकता है। इसीलिए मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। कर्मों के फल का विधान करना पूरी तरह विधाता के हाथ में है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। गीता में भगवान ने कर्म की अनिवार्यता बताते हुए कहा है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने से सिद्धि मिलना तो दूर रहा, शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा और जीवन भी न चलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यं वर्त एव च कर्माणि। अर्थात अर्जुन, मुझे ही देखो ना, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना नहीं है और न कोई ऐसी वस्तु ही बाकी है जो अब तक मुझे प्राप्त न हुई हो, तो भी मैं कर्म में प्रवृत्त होता हूं। वेद में भी कहा गया है, मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वह चर हो या अचर, निष्क्रिय नहीं रह सकती, क्योंकि प्रकृति सबको कर्म में बांधे रखती है। कर्म के कारण ही कोई लता बेल तो कोई पशु पक्षी, कोई राजा तो कोई रंक, और कोई अपराधी या न्यायाधीश बनता है। यद्यपि नदी नाले, पेड़ पौधे, पहाड़ आदि जड़ पदार्थ निष्क्रिय से लगते हैं, किंतु सभी कर्मशील हैं। नदी नाले अपना जल बहाकर संसार को जीवन प्रदान करते हैं। बीजों से निकला अंकुर वृक्ष बनकर संसार को छाया, फल आदि प्रदान करता है। पर्वत अपने कर्म, बादलों से टकराकर पृथ्वी को वर्षा का जल प्रदान करते हैं। जब जड़ पदार्थ भी इतने क्रियाशील हैं, तो हाथ पैरधारी मनुष्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य जो कुछ करता है, अर्थात खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, जीना मरना, सब क्रियाएं ही हैं। एक ओर कर्म करना अनिवार्य है, तो दूसरी तरफ कर्म बंधन से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म फल भोगने के लिए ही जीव को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार मक्खी लोभवश शहद पर टूट पड़ती है और उसका रस लेने के साथ साथ वह उसमें ज्यादा लिपटती जाती है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस कर्म जंजाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर कर्म फल के भोग के लिए पुनर्जन्म धारण करता है। जैसे सरोवर में कमल पत्र जलराशि से सदैव ऊपर उठे हुए उससे निर्लिप्त व अछूते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य को सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके उनके कर्म फल व पाप पुण्य से निर्लिप्त रहना चाहिए। लोक संग्रह के लिए, सब लोगों के उद्धार के लिए आसक्ति, स्वार्थ और कामना को त्याग कर किया जाता है, वह बांधता नहीं और यह यज्ञ है। भगवान ने कहा है, तुम आसक्ति छोड़कर निरंतर कर्म करते रहो। कर्मों में कर्तापन का त्याग और फल की इच्छा का त्याग करने से मनुष्य मुझे अर्थात मोक्ष रूपी फल प्राप्त कर लेता है। यही कर्म संन्यास है। स्वय स्वय कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सिद्धि यज्ञों से बताई गई है, वही अपने वर्ण के अनुसार कर्म करने से मनुष्य को सुलभ हो जाती है। मनुष्य को अपने आश्रम, योग्यता व विभिन्न परिस्थितियों में जो भी छोटा या बड़ा कार्य करने को मिले, उसे भगवत कार्य समझकर पूर्ण प्रसन्नता के साथ निष्काम भाव से भगवान के चरण में समर्पित करते हुए करना चाहिए। इसी से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। गीता में भी यही कहा गया है कि अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपना कर्तव्य कर्म करना ही भगवान का पूजन होता है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य कर्म है। इसीलिए भगवान ने
अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म ने अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। इससे भगवान का कवच टूट गया और शरीर व उंगलियों में घाव हो गए, जिसके कारण लगाम पकड़ना भी मुश्किल हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म कहते हैं, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरे मन बुद्धि लग जाए। मेरे पास जो कुछ है वह सब उस परमात्मा का ही है। मुझे को केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत जिन कार्य या वस्तुओं को मनुष्य अपना मान लेता है वे अपवित्र होकर परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाती हैं। जहां हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, केवल उसी का सदुपयोग करना है, उसी से मुक्ति हो जाएगी। कुछ बदलना नहीं है, बदलना है केवल मन का भाव। इसी को कहते हैं कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना। तभी कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति आज बुरे कर्म करता है तो उसको अगले जन्म में इसका फल भी अवश्य ही मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी इस विषय पर कई प्रकार से कथाओं और कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। कर्मों के फल से व्यक्ति को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे उसके कर्म अच्छे हैं या बुरे। अच्छे कर्म होंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, और अगर बुरे हुए तो उसक फल भी उतना ही बुरा मिलेगा। व्यक्ति के कर्म जैसे होते हैं उसको उसी के आधार पर भुगतना भी पड़ता है। यह बात और है कि कौन से कर्म का फल कब और कैसे मिलता है। इंसानों के पास भले ही इसका पैमाना नहीं है, लेकिन ईश्वर के पास इसका सारा लेखा जोखा रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य और पाप रूपी समस्त प्रकार के कर्मों का अति सूक्ष्म तरीके से लेखा जोखा निर्धारित किया जाता है। गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, और कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में किस रूप में और किस योनि में कहां और कब जन्म लेना है यह भी तय किया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म कृतम शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यो यद्वपति बीजन लभते ही तादृशं फलन, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा, इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं।
इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति न रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी न करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, माया भिरमायनन सक्षदिंद्र, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए, ताकि फसल अच्छी हो। गीता जी कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वो यह संदेश देना चाहती है कि कर्म के हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद नहीं पर है। इसीलिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए युद्ध करते रहो, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सब सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दे, तो अंत में क्या होगा? हम सबको पता है, कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। यह सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के, अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे मां बाप ने हमारे को पैदा किया, और अगर वो यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पे लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया, तभी हम धरती पे आ पाए, और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है, हम भूल जाते हैं। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं जो भोग योनियां हैं, उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए, वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता।
जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं, तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया, तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहु बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है। यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, और उसकी पत्नी और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे। उनके एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे, उसके पैरों की मालिश करते हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर परेशान रहता था, उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे, और वहां पर आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा कि संत महात्मा में और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई, उसे अपाहिज देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय बाद वापस नेत्र खोले और कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है, और यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था, और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही अब तुम्हारी बेटी है भाई। तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारे बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो इतनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका, जिससे उसके पैर की ही हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लग गई, और पूरे जन्म में वह परेशान ही रही, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है, झूठ, जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस समय में तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है, तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ। तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है, इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते, सोते, उठते, बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सबेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था, उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है,
तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है ना बुरा कर्म, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है जैसे गाय का बच्चा हजारों गायों की संख्या में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हॉल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है, इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं, और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं होता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।